तो बेसिकली दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक सर्विस डेस्क प्रोफाइल का नाम आपने सुना होगा, जो सर्विस डेस्क की जॉब होता है, जो जिसपे मोस्टली गर्ल्स की हायरिंग होती है और वहाँ पे बॉयज़ की भी हायरिंग होती है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम गर्ल्स की हायरिंग होती है। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि आप सर्विस डेस्क प्रोफाइल में रह के आप कितनी सैलरी मिल सकती है, आप कहाँ तक सैलरी में पहुँच सकते हो और इसमें ग्रोथ है कि नहीं है, या आपको नई कंपनीज में जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो बेसिकली उसी के बारे में सारा कुछ बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू कर देना। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना आईडी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से, छोटी सी इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, सर्विस डेस्क प्रोफाइल जो कि आपको एक आईटी में 100% किसी भी कंपनी में हो, जहाँ पे अराउंड 1000 और 2000 एम्प्लॉय होंगे, तो वहाँ पे आपको सर्विस डेस्क 100% मिल जाएगा। तो बेसिकली इनका काम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे का प्रिंटर नहीं चल रहा है, कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है, या नेटवर्क नहीं एक्सेस हो रहा, वाईफाई, मतलब जो बेसिकली इशू आते हैं आईटी से रिलेटेड, तो क्या करते हैं सर्विस डेस्क वहाँ से आपके लिए एक टिकट रेस करती है, जो कि वो आईटी वाले बंदे को काउंट होते हैं कि आपको एक दिन में 5 केस क्लोज करने हैं, 10 केस क्लोज करने हैं। तो वो बेसिकली काम होता है सर्विस डेस्क का कि वो टिकट लॉक करते हैं वहाँ पे। अब बेसिकली दोस्तों, इसमें दो प्रोफाइल होती हैं, एक टेक्निकल हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव होता है, एक ओनली सर्विस डेस्क होता है। तो बेसिकली जो टेक्निकल हेल्प डेस्क का होता है, तो वो सिस्टम को रिमोट पे लेके भी सोल्यूशन वहाँ देते हैं, रिजॉल्व करते हैं। एंड दोस्तों, जो सर्विस डेस्क है, केवल उसका काम यही होता है SLO को मेंटेन करना, या कितनी टिकट लॉग हुई, कितने केस क्लोज हुए, तो और इसकी एक्सेल पे एक डेटा एंट्री क्रिएट करना। तो दोस्तों, मैं बता दूं, वो चाहे आईटी की प्रोफाइल हो, मैं डेस्कटॉप सपोर्ट या आईटी की स्टार्टिंग करियर की बात करूं, जैसे आपने CCNA वगैरह या कुछ भी कर रखा, मैं उसकी बात करूं। एंड दोस्तों, चाहे आप सिक्योरिटी में चले जाओ, क्लाउड में चले जाओ, या कहीं भी चले जाओ, तो एक सर्विस डेस्क किसी भी कंपनी में, या मतलब भले ही उस लोकेशन पे नहीं बैठता, लेकिन कहीं ना कहीं सर्विस डेस्क ज़रूर होते हैं। अगर आप, बस ये है कि कोई इनको डिफरेंट वे में बोल देता है कि आप टिकट लॉक कराओ, आप TCDK के पास चले जाओ, YCD के पास चले जाओ, तो वे होता है एक अलग अलग बोलने का। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें सैलरी नहीं है, इसमें भी सैलरी है, ग्रोथ भी है और पैसा भी है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि सर्विस डेस्क पर कुछ ज़्यादा दिन काम नहीं करना चाहता, ये फैक्ट है। अगर आप सर्विस डेस्क में स्टार्टिंग में अगर आपको जॉब मिल रही है, तो आप ज्वाइन करो वहाँ पे 1 साल 1.5 साल या 6 महीने बाद वहाँ से उसे छोड़ो और एक नई कंपनी पकड़ो, क्योंकि आपके पास एक टेक्निकल एक्सपीरियंस हो जाता है थोड़ा सा। तो जब नेक्स्ट कंपनी में आप जब मूव करते हो, तो वहाँ पे एक अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है और एक अच्छी प्रोफाइल भी मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड बेसिकली दोस्तों, आईटी में ये होता ही है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, वो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। वो मैटर नहीं करता कि आपने 15 से स्टार्ट किया है या डायरेक्ट 30 से स्टार्ट किया है, बाकी वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने 15 से स्टार्ट किया तो कोर्स वगैरह किए, सर्टिफिकेशन वगैरह ली, तब जाके वहाँ तक 5 साल 6 साल में मैनेजर वगैरह की पोस्टिंग या सिक्योरिटी इंजीनियर्स वगैरह, नेटवर्क एडमिन वगैरह जो बनते हैं, तो वहाँ पर पहुँच जाते हो। जब उस लेवल पहुँच जाते हो, तो अच्छी खासी सैलरी हो जाती है। तो आई होप दोस्तों, इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो और पता चल गया एक्चुअली सर्विस डेस्क के बारे में। इसके बाद भी अगर आपको कोई कमेंट से क्वेरी, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको ऑन स्पॉट आंसर चाहिए, तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ पे मुझे फॉलो करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। एंड अगर चैनल पे आप नया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि कन्फ्यूजन, डाउट्स, नॉलेजेबल एंड टेस्टेड वीडियोज़ इस पर आते रहते हैं। और आपको सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए, ये बिल्कुल फ्री है। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत।